हमारा सेक्सी बोलू सींग लगा के रेड बुल का छोटा भाई लग रहा है तू। तलवार बंद कर ले वो वीक हो जाए। शाम के 6 बजने वाले हैं, मैं अभी सो के उठा हूँ यार, मैं क्या करूंगा, मैंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ रखे हैं, कोई मुझसे रेस लगा लो सोने में, मैं उसको हरा दूंगा, इतना मैं सो रहा हूँ आजकल। एनीवे सो गाइस, अभी प्लान ये है आज का, मैं जा रहा हूँ गगन भैया के फ्लैट पे शाम के 6 बजे की, पहले गगन भैया के फ्लैट पे चलते हैं, वहीं पे जाके जिम देखेंगे। सो चलते हैं, मैं आपको वहीं पे जाके दिखाता हूँ। ओके क्यों हो गई है, मुझे लगता है कि मुझे टैग करना चाहिए दिल्ली मेट्रो को और अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर पे जाके, तो शायद कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका। आप बताओ आपको क्या लगता है कि दिल्ली मेट्रो स्लो हो गई है कि नहीं हुई है। ऑटो का नाम था ना, ऑटो नहीं टेम्पू, तो टेम्पू में मुझे बैठ के जाना है। बोलू क्या बना रहा है भाई? चाय। मेरा स्वागत में देखो, इन्हें चाय बनाई है, ये देखो। और मैं आपको गगन भैया से मिलाता हूँ। ये रे गगन भैया। हेलो भैया। गाइस अब हमारा प्लान बनाया है घूमने का, और भैया बोलू और हम तीनों जा रहे हैं इंडिया के साथ, अपना हवाई जहाज लेके जा रहे हैं, अपना हवाई जहाज से मजे लेंगे। पार्किंग नंबर गेट नंबर 1 पे खड़े हैं और तीनों तरफ से गाड़ियां इसमें आ रही हैं, इनको एक गेट खोल के रखा हुआ उन्होंने, कम से कम 2 गेट तो इन्हें खोलने चाहिए ताकि उधर की गाड़ियां इजीली आ सके और इधर से आराम से जा सके पार्किंग। कहाँ खड़ी करवाई है, उस वाली गाड़ी खुलने का गेट का जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, और इन्होंने खड़ी करवाई है, देख लो इनका फोटो तो। लो जी फाइनली पहुंच गए, नाइट व्यू देख लो आप इंडिया गेट का, सो मेनी पीपल, भीड़ है वो तो। अभी थोड़ा हम लेट हो गए, 10 बज गए, वरना पहले आते ना तो कुछ ज्यादा माहौल मिलता। इंटरनेट पे जो टाइमिंग दिखा रखी है 7 से 9:30 बजे का बेस्ट टाइम दिखा रखा है। और ये देखो लाइटिंग चेंज हो जा रही है, बीच बीच में लाइट्स चेंज हो रही है, मस्त लग रहा है। पहले यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती थी, वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दी है, अभी वो हमेशा जलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है, उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। तो ये चारों तरफ का कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। और ये रे भैया, और बोलू और भैया दोनों ये रे काम कर दिया इस बार तो, कुछ तगड़ा दे दिया भाई। ये फिर दोबारा बंद होगी लगम मकाए में से रे, इसकी ऊपर की तलवार तो दे दो, लोग बन रहे इंजीनियर। इंजीनियरिंग तो हमने मेरिट से करी। जलाओ भैया जलाओ। ओ भाई ये तलवार सिस्टम क्या रहा है इसका, मस्त उसमें फोटो मस्त आ रहा है इसे लगा के, बेहतरीन आ रहा है। अरे भैया ले ली भैया ले ली है ना, गड्ढे खुद रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं कि ये गड्ढे क्यों खुद रहे हैं, आर्मी वालों ने गड्ढे खोद रखे हैं, अब गगन भैया बताएंगे उनको पता है कि ये क्यों खुदे हुए हैं। बस ये होता है जहाँ भी आर्मी के कैंप मिलेंगे ना वहाँ पे आपको ऐसे गड्ढे खुदे हुए मिलेंगे, उनके ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा मिलेगा लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो अपना जितना भी वेस्ट होता है पर डे का, चाहे वो यहाँ पे झाड़ू लगाने के टाइम पे जो पत्ते इकट्ठे होते हो या कूड़ा इकट्ठा होता हो उसको जमीन के अंदर दबा देते हैं, जलाते नहीं है ताकि पॉल्यूशन ना हो और वो अपने आप से बायोडिग्रेड हो जाए। चलो ये बात हमें आज पहली बार पता लगी और काफी अच्छी नॉलेज है। फोटो खिंचवा रहे थे, लाइट भग गई उसकी, फाउंटेन की लाइट ही भग गई। देख रहे हो जीरो लाइट, जीरो जीरो बंद हो गई लाइट फाउंटेन की। ये देखो यहाँ पे बैठ के खाना अलाउ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी गंदगी फैलाएं यार, भारत सरकार ने इतनी सफाई यहाँ पे कर रखी है, मेंटेन कर रखी है, तो प्लीज आप उसको मेंटेन करके रखें। ये क्या है यार, ये क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, डस्टबिन्स हैं यहाँ पे जगह जगह पे, आप उसको
प्लीज करें, यूज करें। ये देखो डस्टबिन रखे हैं, इसमें डालो प्लीज यार, ऐसे मत करो यार, ये बहुत गलत बात होती है। हां जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज इसको लाइक भी कर दो यार, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट मेरे चैनल को मैक्सिमम ग्रो मिल सके। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ यार, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, हम अपने फ्लैट पे वापस आ चुके हैं एंड आई होप आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। बाय बाय।